चपेट में आकर एक मजदूर बाल बाल बच गया। शर्मनाक बात तो यह है कि बिजली कटवाने के लिए लोग एसडीओ के पास फोन करते रहे, लेकिन बेशर्म और मक्कार एसडीओ फोन तक नहीं उठाता। मथुरा के यमुना पार क्षेत्र में यमुना विहार कॉलोनी में 11,000 वोल्टेज के विद्युत तार टूटने की चपेट में आया मजदूर बाल बाल बचा। यमुना पार क्षेत्र की यमुना विहार कॉलोनी में अचानक 11,000 वोल्टेज का तार टूट गया। इस दौरान कॉलोनी में एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें एक मजदूर उस तार की चपेट में आ गया, जिसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। स्थानीय कॉलोनी वासियों ने विद्युत तार टूटने की सूचना बिजली विभाग को दी। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में बिजली के तारों की हालत जर्जर बनी हुई, जिसके बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों कई बार शिकायत की गई है, लेकिन न एसडीओ सुनता है न जेई। एसडीओ के बारे में लोगों ने कहा कि एसडीओ को कई बार कॉल किया जाता है, लेकिन वो फोन तक नहीं उठाता। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। मेरा नाम सोनू है जी। सोनू कहाँ के रहने वाले हो? मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? ये ऊपर पाइप में हिले हैं, हिल के जो है पाइप में आग लग गई है तारों में। इसमें और मैंने ये सब भगाए तो ये जंगले पे काम कर रहा था और जंगले से ही पकड़ लिया है। प्लास्टिक में पाइप क्या कर रहे थे? प्लास्टर कर रहे थे। प्लास्टर कर रहे थे। मकान किसका है? मकान जो है श्री कृष्ण पंडित जी का। कब से चल रहा है काम? 2 महीने से। बिजली विभाग को सूचना दे दी इसके बारे में? हाँ दे दो, देखो क्यों नहीं साहब। उर्मिला कहाँ के रहने वाले? यमुना विहार कॉलोनी के। क्या घटना हुई है यहाँ पे? यहाँ तार टूटा था, इसमें वो डर रही थी, वो पेपली सी प्लास्टिक की है, उसमें आग लग गई, वो तार टूट के जंगलात से लग गया, वो हालत खराब है मिस्त्री साहब की। अच्छा, मिस्त्री कब से काम कर रहे हैं? इन हो गए 2 महीने। अच्छा, तो बिजली के तार में जो पाइप डाला था वो किसने डाला था? उसकी लाइनमैन ने डाला है। क्यों डाला था? उन्हें पता ही, पैसे लिए होंगे। कितने लिए? 5,000 लिए। किस बात पे? वो पैप लाइन का जो उधारी का करंट पैप समेत के। हाँ, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये प्लास्टर का काम कर रहे थे। मिस्त्री है? मिस्त्री है। कब से चल रहा है काम? 2 महीने हो गए। और लाइन कहाँ कहाँ खराब? और देखो हमारे घर के सामने तार टूटा हुआ है, कम से कम हो गए 2 महीने। उस तार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। किसी से शिकायत की इस संबंध? हमने की थी कहीं से, वो कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। बताओ हम क्या करें? कहां पे शिकायत? बिजली घर गई। बिजली घर गई, बिजली घर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है मेरी। क्या कहा था उन्होंने? वो हाँ हूँ करके वो अपन अपने काम से काम रखते हैं, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं करते। मथुरा के वृंदावन में नेताजी सुभाष